हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए एक ट्यूटोरियल रेजिन क्लॉक बनाने का। तो सबसे पहले हमारे वर्क स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने लिया है सेलोफेन पेपर का एक शीट, जो कि पतला सा प्लास्टिक शीट आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। इसके बाद मैंने लिया है एक DIY किट। इन सब मटेरियल का लिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक मग में थोड़ा सा वार्म वाटर लिया है, जिसके अंदर मैं अपने रेजिन को डिप करने वाली हूँ अराउंड 10 मिनट्स के लिए। बट अगर आप ड्राई और ह्यूमिड जगह पर रहते हैं तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। ये स्टेप बस मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रेजिन कोल्डर टेम्परेचर्स में थोड़ा क्रिस्टलाइज हो जाता है। तब तक के लिए मैं अपने MDF के बेस को अच्छे से प्राइम कर लूँगी। ये मैंने जेसो लिया है वाइट कलर का। अगर आपको लाइट कलर का क्लॉक बनाना है तो आप प्रेफरेबली वाइट ही यूज करेंगे। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। तब तक मैं अपना रेजिन वे कर रही हूँ। ये एक वेइंग मशीन है मिनी स्केल का। ये रेजिन जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो लिटिल बर्डी कंपनी का है, जो कि 2:1 के रेशियो में आता है। 2 parts ऑफ रेजिन एंड 1 part ऑफ हार्डनर। 30 grams ऑफ रेजिन एंड 15 grams ऑफ हार्डनर। अब मैं इसे जेंटली अच्छे से मिक्स करूँगी 5 minutes तक, और उसके बाद 5 minutes तक मैं इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूँगी। When you leave it at the room temperature, all the bubbles that are there in resin, they seem to burst. अब मैं इसको कुछ equal parts में divide कर रही हूँ, because I need different shades in my resin clock. So मैं इसको छोटे छोटे parts में divide कर रहा हूँ। अब इसमें मिक्स करूंगी मैं अपने मनचाहे कलर, एनी कलर ऑफ योर चॉइस। दीज आर द माइका पाउडर्स दैट आई एम मिक्सिंग, विच आर गिविंग यू दैट मेटालिक शीन। सो ये हमारा काफ़ी सारे कलर्स बन के रेडी हो गए हैं, एंड आई विल स्टार्ट विथ वाइट। दैट इज़ माई पर्सनल प्रेफरेंस, बट आप किसी भी कलर से ऑब्वियसली स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं लाते रहती हूँ ऐसे ही काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स। सो अब हमारा क्लॉक कुछ इस तरह से दिख रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू स्प्रे 99% ऑफ एल्कोहल। इससे क्या होता है ना, जो भी बबल्स हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं और एक ग्लॉस फिनिश आता है हमारे क्लॉक। Now I'm going to use this stencil, which is also called placement sheet. इसमें आप देख सकते हैं holes बने हुए हैं 12. ये हमें help करता है marking करने के लिए numbers की, so that you know they are just accurate. अब मैंने बनाया है बहुत थोड़ी quantity में resin, जिसको मैंने use किया है stick का numbers. सबसे पहले आप 6, 3, 9 and 12 stick करेंगे, उसके बाद आप बीच के numbers stick करेंगे। एक्चुअली मेरे कस्टमर को ना क्लॉक थोड़ा लाइटर शेड में चाहिए था, इसलिए मैंने एक ट्रांसलूसेंट वाइट का शेड बना के एक फाइनल कोट दिया है। सो अब आप देख सकते हैं आवर वॉल क्लॉक इज़ रेडी। इसमें मैंने अटैच कर दिया है क्लॉक नीडल्स हैंड मिनट एंड सेकेंड्स के। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ट्यूटोरियल इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड इसको लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा।